गाइज वेलकम बैक टू द सस्वर मोम ब्लॉग। आज हम काउ रेंच में जा रहे हैं अपने गांव की और यहां पे दिखाएंगे कि भाई हमारी काउ रेंच कितनी बड़ी है। चलो गाइस आप वीडियो को लाइक कर जरा कुछ कर दे। आज मन्नत भी प्रमोशन कर रहा है। चलो शायद करता है। हमने 10 करोड़ 4 लाख रुपए आज हमने ना 3 करोड़ की गाड़ी चाहिए। 3 करोड़ की गाड़ी। इसके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं मन्नत के। अन्ना मुझे नहीं थे और मुझे शिगर और हमने लिए शिगर टीचर वो मैं 3 शीट हुआ कर बाय हमने बिचे बाय। हेलो गाइस कैसे हो? अपनी मम्मी के लिए अबे तो बात है। दीक्षा भी रेडी हो गई है, उसकी मम्मी बाहर मैं भी रेडी हूं। मन्नत भी रेडी हो चुका है और बस हम बस अपनी करने के लिए। दीक्षा बताओ अपने बारे में, कहाँ जा रहे हो आज? आज मैं गौशाला जा रही हूँ घूमने के लिए। ये गाइज मैंने एक सपना लिया था कुछ अपनी लाइफ में अचीव करने का, बट कुछ अचीव नहीं कर पाया। बट हाँ मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हूँ और आज मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ लाइफ में करके दिखाऊँ। और मन्नत वर्मा भी बहुत बड़ा होगी, एक बड़ा ब्लॉगर्स बनेगा। इसने बोला है मन्नत आप व्लॉग्स करोगे आगे जाके, ब्लॉगर बनोगे आप? अभी तो ऐसे तानी कर रहा है गाइज, बट आप देख पा रहे हो दीक्षा बाहर है, वेट कर रही है अपनी मम्मी का, अपनी दीदी के साथ। फ्रिज में से कुछ सामान ले रही है। दीक्षा क्या ले रही है? एप्पल ले रहे हो बेटा? कुछ एप्पल्स ले लेना वहाँ पे रस्ते में खाने के लिए, एप्पल्स बहुत जरूरी रहेगी। नहीं मन्नत ये नहीं खोला बेटा, आप एप्पल तीन 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 एप्पल ले लो, एक एप्पल और ले लो दीक्षा रस्ते में खाने के लिए चाहिए। और एक वाटर बोतल भी ले लेना गाइस, क्योंकि घूमने जा रहे तो पानी की बहुत जरूरत रहती है। दीक्षा ने पानी की बोतल ले ली है, उसकी मम्मी अपनी चप्पलें देख रही है कि कौन सी पहननी है, सिलेक्ट कर रही है। और दीक्षा भी रेडी हो चुकी है, बस दीक्षा अपने कॉम कर रही है अपने हेयर को, देख सकते हो गाइस आप। उसकी मम्मी भी रेडी हो चुकी है, मन्नत तो एवरग्रीन रेडी है। ये मेरी छोटी सिस्टर है, चाची की लड़की है, ये थोड़ा डर रही है ये वीडियोस बनाने में। आप डर रहे हो? हाँ। ये थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं है वीडियोस बनाने में। भाई मन्नत ने अपनी छोटी गाड़ी ले ली है, ये इसके साथ खेल के बहुत खुश रहता है। नई गाड़ी दिला दूंगा तेरे को, पक्का दिलाऊंगा, बर्थडे पे दिलाऊंगा आपके। कोई बात नहीं, इसी गाड़ी चाहिए, कोई नहीं कहाँ से लेके आऊँ इस गाड़ी को, ये डैमेज है। चलो ठीक है दुकान से ले लेंगे, ठीक है। हमने तो अपने कंगन पहन लिए हैं आज, स्पेशल कंगन पहने हैं, बहुत आज खुश है, बहुत रेडी हो चुकी है। हेलो गाइस, आज हम गौशाला जा रहे हैं, चलो आपको भी घुमा रहा है और बताना कैसी लगी हमारी गौशाला। और बच्चे के झूले वगैरह भी हैं, काफ़ी बड़ी गौशाला वहाँ पे। हम अब जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, मैम ने अपना एक कीमती बैग ले लिया है। बैग दिखाना दीक्षा, ये दीक्षा ने बैग ले लिया, मैम ने भी अपना बैग ले लिया है। बस इसको अब इसके साथ खुशाम आप नहीं लेके जा रही, ले जा रही। कोई बात नहीं, छोटी बेटी के लिए दीक्षा के लिए ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा इसे। अच्छा दीक्षा ने आज भाई येलो ड्रेस पहनी, बहुत सुंदर लग रही है दीक्षा। ओके ओके, कमेंट करके बताना भाई कैसे लगी आपको दीक्षा की। नाड़ा कसा हो रहा है भाई दीक्षा के साथ ये बेल्ट बांध रही है दीक्षा भाई, आज बांध लिए भाई दीक्षा ने बस अच्छे से, और माला भी पहन लिए भाई। आज बारात में जा रही है दीक्षा, बारात में जा रहे हो या गौशाला में जा रहे हो? गौशाला में जा रही दीक्षा। चार्जर वगैरह और इसमें भी अपना सामान रख रहे हैं, ये मैडम ही रख रही है बस भाई, हो गया इसमें चल रहे बस। देखो गाइस अब हम रास्ते में उतरे हैं, अभी हम चल रहे हैं, बस फस फस के बैठे हैं। आप भी आ जाओ जल्दी से, चलते हैं। चलो अभी आई मैं, क्योंकि अभी मैंने वॉशरूम करने के लिए उतरा था, तो मैम जल्दी आ जाओ। ओ कुत्ते हट जा, एक लैपटॉप में जा, आप जल्दी बैठ जाओ। अच्छा बैठने दे भाई, खींच खींच के बैठ गए भाई। की दूरी पे हमारा गौशाला है, पहुंचने वाले काउरंच में। आज बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि अपनी फैमिली को लेके आऊं, मौसम बहुत अच्छा है, ये मंदिर भी है, अब यहाँ से हम मुड़ेंगे। और अभी मैं कैमरा अपनी मैडम को दूंगा, ड्रिल कर रहा था पर हमने उसको सिग्नल दिया कि हम जा रहे हैं अंदर भाई। आज हम गौशाला के अंदर पहुँच गए, ये देखो कितनी सारी गायें हैं, मैं आपको दिखाऊँगा, बहुत सारी गायें हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत सारी गायें हैं। देखो भाई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है यहाँ पे भाई, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, बच्चों को प्रसाद देते हैं, यहाँ पे लस्सी पी जाती है फ्री में। और ये देखो बहुत सारी गायें हैं, देखो ये प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है भाई, जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत अच्छा होता है, लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बहुत अच्छा। तो ये जो व्लॉग्स है भाई, ये ट्रैवलिंग व्लॉग भी है, इसमें हम ट्रैवल करते करते आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत बड़ी है ना ये, इसलिए
भाई ये झंडा देखो, जय हिंद जय भारत। ये देखो भाई यहाँ की जो माताएं बहनें हैं वो अपने बच्चों को कैसे पालती है, बहुत अच्छे से भाई पानी लेके जाती है यहाँ से, और इनका लाइफ स्केच वेयर बहुत अच्छा है भाई, लाइफ इतनी अच्छी है भाई इनकी, बस पूछो मत भाई, सदाबहार ज़िंदगी जी रही है सब यहाँ पर। करने वाले हैं स्कूटी को बस पार्क करके फिर हम गार्डन की तरफ जाएंगे, एक छोटा सा गार्डन है यहाँ पे, बच्चों को थोड़ा खिला के लाएंगे, बच्चे थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। ये आ गया भाई हमारा एरिया, यहाँ पे हम लगाएंगे स्कूटी को। स्कूटी पार्क कर रहे हैं और मन्नत को देखो, देखो कहाँ सुसु करने लग गया। अरे मन्नत यहाँ सुसु नहीं करते बेटा, क्या चलो भैया, चलो अभी यहाँ से गेट के अंदर से जाएंगे। चलो दीक्षा देखो गेट का रास्ता छोटा सा है, साइड से कितना अच्छा है देखो, गोल गोल घूम के। चलो चलो लाइन में चलो भाई, चल भाई मन्नत आराम से झूलिए भाई, चलो चलो कोई बात नहीं भाई, ये मन्नत झूल रहा है यहाँ पे, जल्दी झूल ले भाई, अंधेरा हो जाएगा भाई फिर ना, तो ये छोटी बेटी भी झूल रही है गुड़िया। चलो 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 भाई जल्दी जल्दी बोले, भाई यहाँ दीक्षा झूल रही है भाई, तेरे बैठने से चलेगी नहीं है वैसे दीक्षा के बैठने से। और भाई जी क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। ये भाई अपना फ्रेंड है, अपने गांव से ही है, और अब बच्चों को लेके आती है। देखो भाई पार्क दिखाता हूँ आपको, बहुत सुंदर पार्क है यहाँ पे, पहले हम क्रिकेट खेलते थे वहाँ पे ग्राउंड था भाई, अब नहीं है यहाँ पे, अब यहाँ पे बहुत गार्डन घास उग गई है भाई बहुत ज्यादा। भाई अपना फ्रेंड है, अपने साथ ही पढ़ता था गांव में, और आज कैसा लग रहा है भाई आपको बच्चों को घुमा के यहाँ पे? बहुत अच्छा भाई, हम चैनल पे वीडियो बनाते हैं सुशी वर्मा डांसर के नाम से चैनल, ब्लॉग्स भी बनाते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है भाई, ठीक है भाई प्रमोट कर रहा हूँ, आपको देखना चाहिए कैसे प्रमोट करते हैं, ब्लॉग्स बनाते बनाते हम प्रमोट कर सकते हैं भाई। सस्सी ये सस्सी वर्मा भी देखो, मैम भी झूल रही है, कैसा लगा मैम आपको आके यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, ये मेरी फ्रेंड की वाइफ है और यहाँ पे एंजॉय ले रही है बच्चों के साथ, और ये सस्सी वर्मा जिसको आप जानती है, इसका चैनल है आप देखते हो। दीक्षा कैसा लग रहा भाई? बहुत अच्छा लग रहा है दीक्षा को आके यहाँ पे। मन्नत भी झूलेगा भाई, मन्नत भी आ गया, चलो भाई इसको भी स्पेस दो, चलो भाई चलो, डर क्यों रहे हो भाई, जल्दी बैठ भाई जल्दी बैठ, यहाँ पे स्पेस है भाई, यहाँ आ जा भाई, वहाँ पे चुप जाएगा मानू, यहाँ बैठ जाओ भाई, भाई ये ना माने कोई बात नहीं, बच्चा पतला पतला तो कुछ नहीं, ऐसे ही चलता है इसका। चलो चलो भाई भाग लो, मेरे पैर ऊपर कर लो, पैर ऊपर कर लो, लग जाएंगे। रास्ते में गऊ भी है हमारी, गऊ माता है जिसकी हमें सेवा करनी चाहिए, और हमें बहुत सुकून मिलता है जब गऊ की सेवा करते हैं। ये मन्नत भी जा रहा है भाई, अब डक्स की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे वैसे पिंजरे में डाल रखे डक्स को, बट बहुत सारी डक्स है यहाँ पे, बहुत अच्छी लगती है, और ऐसा मन करता है कि पकड़ ले, लेकिन पकड़ा नहीं जाता। तो दिखाते हैं डक्स को, मैं आपको डक्स दिखाऊंगा, ये मन्नत यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पिंजरे में डाल रखी है। हाँ पिंजरे में है भाई, भाई फिर वो बाहर चले जाते हैं ना, इसलिए इनको पिंजरे में डाल रखा है। दीक्षा मन्नत यहाँ पे आओ, देखो खरगोश रहे, रैबिट आजा भाई, यहाँ पे रैबिट्स भी है, देखो पिंजरे में अंधेरा हो रखा ना, अच्छे से साफ नहीं दिख रहे, थोड़ा पास जाके दिखाओ, देखो भाई देखो यहाँ पे रैबिट्स है बहुत सारे, ये दाना खिला रही है गुड़िया, वहाँ पे डक्स है, मैं आपको डक्स दिखाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा डक्स है भैया, बहुत ज्यादा, ये देखो सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाँ भाई बनकी वीडियो सब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी स्कूटी की तरफ जा रहे हैं भाई, अंधेरा होने वाला, तो एक दो लोकेशन और रह गई है उसको और चेक कर लेते हैं। ये मन्नत आ गया भाई स्कूटी पे, और मैम भी आ चुकी है, अब वहाँ पे चलते हैं, छोटा सा एक पॉन्ड है वो दिखाएंगे, और फिर अपनी वीडियोस में और थोड़े बहुत जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ के। ये श्री कृष्ण गौशाला आप देख सकते हो, बहुत सुंदर दृश्य है, पॉन्ड की तरफ जा रहे हैं और मन्नत भी जा रहा है पॉन्ड की तरफ, मानो चलो आप दीदी को रेस करो, दीदी आगे पहुंच रही है भाई, पॉन्ड की तरफ जा रहे हैं, बस दिखा रहे हैं कि भाई छोटा सा पॉन्ड भी है, अच्छा है
काफी दूर दूर है यहाँ पे, हमें पैदल चलना पड़ता है। और गाइस नीचे डक्स है और ये पानी में बहुत बड़ा पोंड है, अभी तो सूख चुका है कुछ रीजन्स की वजह से, मेंटेनेंस नहीं हो पाती इसकी अच्छे से। मानो नीचे हो जाए बेटा गिर जाओगे। ये डक्स है भाई यहाँ पे देखो। नहीं बेटा नीचे नीचे नहीं जाना, मानो नहीं नहीं बेटा डूबने के लिए नहीं, स्विमिंग करने आते हैं यहाँ पे डक्स वगैरह। ये देखो ये गाइस हमारे जो फैमिली के सदस्य हैं जो आसपास के, वो भी डक्स को देखने आते हैं। थोड़ा मेंटेनेंस की कमी के कारण ऐसा हुआ है, बट अच्छे से अच्छा इसको रखा जाए तो बहुत अच्छा पोंड है ये। पानी पीते हैं और ये पानी की टंकी है, बोतल से पी लो आप, बोतल से पी लो, बोतल दे दो बच्चों को, बोतल से दे दो, बोतल से पी लो आप, ज्यादा दूर है ना ये, आपका हाथ नहीं पहुंचेगा। लो भाई हम अब गौ माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। देखो कितनी सारी गौ है, बहुत सारी, अंधेरा हो चुका है तो मैंने टॉर्च भी लगा ली है कि आपको अच्छे से मैं दिखा पाऊँ। और ये काफी पवित्र क्षेत्र है ये, क्योंकि गांव गौ माता का पालन हमें अच्छे से करना चाहिए, गौ का फॉलो करना चाहिए। और हमें इनके क्या देखो कितना लाइट चमक रहा है गाइस, ये लाइट इनकी आंखों में नहीं है, ये एक्चुअली देखो वाह। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे गौ का कैसे है। हम यहाँ पे बहुत सारी ज्यादा गौ हैं, गौशाला हमारे है तो गौ दिखाना बहुत जरूरी है, गौ माता के दर्शन जरूरी है करने। यहाँ पे गौ माता का खिला रहे रोटी, खिला रहे गौ को। भाई थोड़ा चारा ले लो, गौ को खिला देते हैं, थोड़ा खिला दो दीदी। ये गौ को चारा खिला रहे हैं भाई। भाई ये चारा है गौ को खिलाते हैं यहाँ से, और ये अपना भाई है। कैसा लगा भाई आपको गौ की सेवा करके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। डब्बे ध्यान से, मम्मी ने पैर पे चढ़ा गया तुम्हें। ये गरम गरम रोटियां देखो गाय, गरम गरम रोटियां अभी बनाई है, गरम गरम रोटी 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 गाय गाय के लिए बनाई जाती है यहाँ पे स्पेशल गाय के लिए। देखो कितनी उत्सुक है गाय, बहुत बड़े होन से बेटा इनके। हाँ मन्नत ने पहली बार देखे होन से इनके। मन्नत रोटी डाल दो बेटा, कोई बात नहीं आप डाल दीजिए। अभी तक गया हूँ वीडियो बनाते, काफी लंबी गौशाला है तो अभी बहुत पानी पी रहा हूँ। और अभी दिखा रहे हैं पेयजल, बहुत सुंदर पानी भी आ गई, अभी पानी पी लो, आप भी थक गए होगे ना घूम के गाइस, थक गए हैं बस अभी आ रहे हैं। देखो कैसी लगी हमारी गौशाला बताना। हमारा बस पूरा हो चुका है, रात भी काफी हो चुकी है, हम घर जा रहे हैं। बस बच्चों को थोड़ा सा आइसक्रीम वगैरह खिला देता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ। बच्चे भाई आइसक्रीम खा रहे हैं, देर तो हो चुका है थोड़ा। भाई रोड है भाई, रोड पे मत, थोड़ा साइड हो जाओ भाई। मैंगो वाली दे देना भाई, मैंगो वाली भैया, दस वाली दस दस वाली दे दो, जो उनसे भी हो। येलो वाली ये वाली है। आपको कैसे लगी वीडियो, आप देखना इसको ध्यान से। और मैंने बहुत सारा इसके ऊपर मेहनत किया हुआ है, और मैंने आपको पूरा काफी दिखाने को, इसके ऊपर लाइट चली गई थी। और ये बच्चे जो है आइसक्रीम खा रहे हैं। हाँ हाँ मुझे पैसे भी देने हैं, आप इधर आ जाओ थोड़ा सा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा रोड का काम है गाइस। हम आइसक्रीम खा रहे हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ये डस्टबिन में डालना बच्चों, ठीक है। बाय गाइस।